हम ठीक हैं, आशीर्वाद है आपका। आप बताइए, आपने तो शिवराज सिंह जी को निपटा दिया। अरे नहीं सर, अपन ने क्या निपटा दिया, पब्लिक अभी भी बड़ी मास अपील वाला व्यक्ति है वो लेकिन नहीं, किया किया तो बहुत अच्छा नहीं है। आज जो देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान 1 लाख करोड़ के मिखा से मालकाना हक रखते हैं, हाँ, होंगे ये रख धन तो कहाँ होंगे। से आया है? नहीं, वो तो सर्टेनली सिस्टम से ही निकाला, और क्या, सही कह रहे हो आप। तो वो ऊपर उसकी नजर रखते हैं ना, इसलिए व्यवस्था तो बनती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ये बुलडोजर जो है वो पहचान पहचान के चलता है। एक बुलडोजर एक्ट अब क्यों नहीं बनाते हैं? क्या मेरा ऐसा मानना है कि यदि बिल्कुल बुलडोजर एक्ट बन जाएगा तो 80% भाजपाई नप जाएंगे उसमें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आप ये मानते हो कि नहीं मानते हो? बिल्कुल बिल्कुल हो गई सब, कोई अच्छा सब ये, अच्छा पहुंच ये बताओ विकास, आपको हमारी फीड पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? रही रेगुलर रेगुलर, मैं पढ़ता भी हूँ। आपका क्या सोच और चिंतन है? ये मैं कहते हैं तूती खाने में जो है ना बीन की आवाज, तो हम तूती खाने में बीन बजा रहे हैं या भैंस खाने में बीन बजा रहे हैं या देश में कुछ महापरिवर्तन की बिगुल बजेगी? नहीं, बजेगी सर, कंसेप्ट डेवलप तो ऐसे ही होता है, कंसेप्ट डेवलपमेंट तो ऐसे ही होता है। हेलो, आपको नहीं लगता है कि हमारे राजनेताओं ने सच में अपने देश की जनता के साथ बहुत दुष्टता की है? हाँ सर, वो तो बिल्कुल बहुत आप सही फरमा रहे हैं, बड़ा मुश्किल है, मतलब वो छाटना बड़ा मुश्किल है। सही कह रहे हैं आप, सब 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 समुंदर सब तरफ एक जैसे ही है, नाम कोई ले लो, उसे हिंद ले लो कि प्रशांत ले लो ठीक है आपने। अच्छा ये बताइए, इस बात को आप कहां तक मानते हैं कि अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए और वैसी क्रांति दोबारा ना पनप पाए उस सोच के साथ जो प्रशासनिक नियम कानून और जुडिशियल व्यवस्था बनाई थी, आपको नहीं लगता है कि हमारे इन राजनेताओं ने अपने प्रिय देशवासियों पर वही दुष्ट व्यवस्था नहीं थोप के रखी है? नहीं बिल्कुल कर रही है सब, राष्ट्रद्रोह उसी कैटेगरी में तो आया। आपको नहीं लगता है कि जो प्रशासनिक व्यवस्था जिसका एज ए डीजी मैं भी लाट साहब था, बिल्कुल वो चंद मुट्ठी भर लोग जो है जो चाहे वो करे और देश की जनता की कहीं कोई गुहार भी सुनने वाला नहीं है? बिल्कुल सही कह रहा, आज बहुत 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 आवश्यकता। मैं अभी लाल परेड से आ रहा था, जी, पीएम साहब को किसी ने वो मुझसे पूछा, सीआरपीएफ देखिए मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात बताता हूँ, किसी ने मुझसे पूछा कि मोहन यादव जी आ गए हैं अब क्या करेंगे, मैंने कहा मोहन यादव जी भी उतने ही मजबूर प्राणी हैं, से। पार्टी भिड़ से बंधे हुए एक और बंधुआ मजदूर। मैं कोई भी इंडिपेंडेंट तो हो ही नहीं पाता, सिस्टम में भी नहीं हो पाता फिर। मैं वही कह रहा हूं, बिल्कुल तो उन महापरिवर्तन की बातें करना किसी भी पार्टी के किसी भी राजनेता के सोच और चिंतन का हिस्सा हो ही नहीं सकता। नहीं हो पाता सर, बहुत मुश्किल, बहुत चीजें होके देख ली। आप देखो ना, जयप्रकाश नारायण का मूवमेंट सब कुछ लेके आया। नहीं, नहीं, जयप्रकाश सब कुछ लेके आया तो नारायण मूवमेंट का जो है मूवमेंट एंटी इंदिरा गांधी था, उसके पास ना कोई सोच थी ना चिंतन था। भी आप कह सकते, मतलब बात परिवर्तन इसलिए उनने कहा, लेकिन हुआ नहीं, क्या कुछ, बात लगता परिवर्तन है कि क्या, तो नहीं उन्होंने भाई, परिवर्तन कर दिया, सत्ता परिवर्तन हो गया, उसके आगे का तो सोच और चिंतन था ही नहीं। नहीं हुआ ही नहीं कुछ ना, नहीं वो इसलिए नहीं 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 हुआ, मुझे लगता है कि नहीं उसका नहीं नहीं विकास, ध्यान से सुनो इस बात को, हाँ। क्या जयप्रकाश नारायण के पास उसके बाद का सोच चिंतन था क्या? हाँ नहीं, सही बात कह रहे हैं आप, सही बात कह रहे हैं, लेकिन बिल्कुल क्राइम ऐसा फ्री ही भारत तो कह रहा है कि मैं इस देश को महापरिवर्तित कर दूंगा, है। देश को ही बदल दूंगा, कौन, हाँ मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं। नहीं, वो तो आप विचार अच्छा है, रखते ही हैं आप, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि सिस्टम में चीजें बड़ी शने शने आ पाती। ये बताओ एज ए विकास, आप इसमें क्या भूमिका निभाना चाहोगे? नहीं आप बताइए, मैं जितना जो योगदान दे सकूंगा भरसक करूंगा साहब। मेरा तो हर परिवर्तन ही विचार में वो, अरे थोड़ा खराबी ले जाए।
थोड़ा पीछे ही हटा दे, हमें शिथिल कर दे, लेकिन परिवर्तन की नहीं। देखिए ये परिवर्तन अब आपकी चॉइस नहीं रह गई है, मजबूरी है। जानते है, क्यों है, क्यों है, मैं आपको बताऊं। मजबूरी मजबूरी नियम कानून नहीं है, मजबूरी जो है लाटसाबी व्यवस्था नहीं है, मजबूरी जो है जुडिशियल व्यवस्था नहीं है, जहां न्याय की उम्मीद करना अपने आप में गुनाह है, वो है नहीं। मजबूरी ये है कि इन्होंने इतना केमिकल विषाक्त आपके ऊपर थोप दिया है कि यदि आपने ये परिवर्तन नहीं लाया, आपको मालूम है आज आपको कैंसर से पीड़ित होने के लिए कुछ नहीं करना है, केवल अन्न खा लीजिए, क्योंकि अन्न इतना विषाक्त हो गया है कि उससे आपको कैंसर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अन्न विषाक्त हो गया है आपका, बिल्कुल हो गया, हो गया। अब आप ये बताइए, आपकी सब्जी और उसमें ये हार्मोनल इंजेक्शन लगा रहे हैं, आपके गाय भैंसों में हार्मोनल इंजेक्शन लगा रहे हैं, बिल्कुल, और ट्रेसेस निकल ही रहे हैं ना उन चीजों के, वो तो बेशर्मी से लगा रहे हैं। और विकास, आपको इस बात का आइडिया है क्या कि हम 16 करोड़ लीटर दूध प्रतिदिन पैदा कर रहे हैं और 65 करोड़ लीटर दूध हम प्रतिदिन कंज्यूम कर रहे हैं? बिल्कुल है ना, ये तो स्टोरियां बहुत कि हमारे पास प्रोडक्शन ही नहीं है जितना हम वो कर रहे हैं, उसका 3 गुना ज्यादा हम कंज्यूम कर रहे हैं। लगभग 50 करोड़ लीटर दूध टैंकरों में यूरिया जैसे हानिकारक पदार्थों से बनाया जा रहा है, जिसमें रिसर्च कह रही है कि यदि आपने ये कैंसर जनक जो है ना पदार्थ को जो है ना सेवन आने वाले 4 साल तक कर लिया तो 87% लोगों को जो है ना कैंसर हो जाएगा। तो मेरा प्रेडिक्शन है कि यदि हमने इस विभीषिका को रिवर्स नहीं किया, जो मुझे आज किसी का सोच और चिंतन ही उस दिशा में नहीं दिख रहा है, तो 66% पॉपुलेशन वो कैंसर से पीड़ित हो जाएगी या ऑटोनोमस ऑटो इम्यून डिसीजेस से जो है ना पीड़ित हो जाएगी। तो मिस्टर विकास, क्या आप अपने बच्चों को कैंसर से पीड़ित देखना चाहते हैं या इस महापरिवर्तन में मैथिली शरण गुप्त के साथ खड़े हैं? मैंने आपके साथ खड़े हैं, आपके विचार के साथ, आपकी बातों के साथ खड़े हैं। क्यों अपन अपने बच्चों को, स्वयं को और रिश्ते नातेदारों को इस पीड़ा में देखना चाहेंगे? साहब बहुत बुरी चीज है कैंसर। तो आपको से 3 प्रश्न पूछूंगा जिनके आपको जवाब देना है। पहला प्रश्न है कि आपको अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए अच्छा भारत चाहिए? अवश्य अवश्य। ये सब आमूनन तौर पे कुछ लोगों को छोड़ के, जो अंधभक्त और दल गुलाम है उनको छोड़ के हर किसी को अच्छा भारत चाहिए। ये दुर्भाग्य का विषय है कि अंधभक्त और दल गुलामों को नहीं चाहिए। उनका दल जो कह रहा है उन्हें तो वही चाहिए, और उससे हटके उन्हें कुछ नहीं चाहिए। मध्यमार्गी रहना ही चाहिए साहब, राष्ट्र प्रथम, पार्टी द्वितीय और व्यक्ति तृतीय। बहुत सही बात कही आपने। अब दूसरा प्रश्न है कि आप अपने आप को डरा, सहमा, सताया, घबराया, अपमानित, उत्पीड़ित व्यक्ति के रूप में देखते हैं जिसका सोच और चिंतन कुंठित कर दिया गया है, जो ये सोचता है कि हमारी पारिवारिक परिस्थितियां इतनी विषम हो गई हैं कि हम अपनी पारिवारिक परिस्थितियों को ही झेल लूं, यही बहुत बड़ी बात है, और वो पर्दे के आगे नहीं आना चाहता है, पर्दे के पीछे रहना चाहता है, और पर्दे के पीछे रहने वाला ऐसा सदस्य जो है वो अपराध मुक्त भारत का सदस्य है। तो आप डरे सहमे अपराध मुक्त भारत के सदस्य के रूप में अपने आप को देखना चाहेंगे या निडर निर्भीक चंद्रगुप्त के रूप में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, निर्भीक चंद्रगुप्त के अपन अनुयायी। ओके, तो निडर निर्भीक चंद्रगुप्त की आप शपथ लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, व्हाई नॉट। ओके, इसमें जो इसके 2 हिस्से हैं, एक वो हिस्सा है जो डरा सहमा सदस्य का है और दूसरा हिस्सा है जो कि एडिशनलिटी है, राइट? तो सदस्य के रूप में, डरे सहमे सदस्य के रूप में उसे खुद को जोड़ना है, अपने परिवार के लोगों को जोड़ना है, अपने रिश्तेदारों को जोड़ना है, अपने मित्रों को जोड़ना है, पड़ोसियों को जोड़ना है, युवाओं को और वृद्ध नागरिकों को जोड़ना है, और जिन विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए हैं, जैसे आप भाजपा के आईटी सेल से जुड़े हुए हैं, तो जिन संगठनों से भी जुड़े हुए हैं उनसे जुड़े लोगों को जोड़ना है, और 10 लोगों को प्रतिदिन के मान से 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ना है। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। और ये तो डरे सहमे सदस्य का संकल्प है, और निडर और निर्भीक चंद्रगुप्त को एडिशनलिटी में 2 संगोष्ठियां लेना है, और संगोष्ठियां इस शर्त के साथ लेना है कि जो आज आपकी व्यस्तताएं हैं उनमें ये आप ईमानदारी बरतेंगे और उसमें कोई
कोताही नहीं करेंगे, उसका ईमानदारी से निर्वहन करते हुए आते जाते हुए जिन अपने लोगों से आप फोन कर सकते हैं कि भैया बहुत दिनों से आपके साथ बैठ के चाय नहीं पी, आज चाय पियेंगे, और वहां लोगों को संगोष्ठी करके जोड़ना है, अच्छे लोगों को जोड़ना है, संगठनों को जोड़ना है, इतना करने से महापरिवर्तन 9 दिन में अवतरित हो जाएगा यदि हमने शपथ को पूरा कर दिया। नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नेटवर्किंग तो ऐसे ही बढ़ता, काम नेटवर्किंग से ही बढ़ता है। आप ये बताइए 9 दिन का समय बहुत बड़ा है क्या? नहीं नहीं अभी बहुत बड़ा नहीं है, बहुत कमतर है। तो यदि हम बड़े बड़े समय अपन ने दिए साहब, यदि हम शपथ के साथ काम करेंगे तो जो काम 9 दिन में होना है वो 9 दिन में हो जाएगा, और यदि हम जो है ढीले पड़े रहेंगे तो पक्का मान के चलिए कि हमारा जो है 9000 सालों में भी एक संकल्प पूरा नहीं होगा। नहीं बिल्कुल ठीक बात कह रहा है, वो तो समय सीमा बनानी पड़ती है हर काम की। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप मुझे, आपको मैं कुछ टास्क दूं क्या? दीजिए बताइए। पहला टास्क तो ये है कि मैं आपके SMS से लिंक भेज रहा हूँ, तो आप क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है। नंबर 2, आप टेलीग्राम ऐप में तो शायद ऑलरेडी है मेरे ख्याल से। है। हाँ, तो टेलीग्राम ऐप में मुझे एक बार फिर से हेलो भेज दीजिए, लेकिन मेरा मुझे ऐसा याद पड़ रहा है कि आप जुड़े हुए हैं मुझसे, ठीक है ना? मैं जुड़े हुए होंगे। हाँ, ठीक है ना। आजकल मैं बहुत ऑपरेट नहीं कर पा रहा टेलीग्राम को, लेकिन कर लेंगे। दूसरा जो है, आप जिन अच्छे लोगों को पहचान रहे हैं, जोड़ रहे हैं, उनको जो है इस अपने ऐप में जो है भी जोड़ते जाइए। हाँ बिल्कुल, आज ही 5-8 लोगों को तो आज ही जोड़ दूंगा। आपने जो विचार दिए, उस विचारों के लिए कौन लोग एकदम उत्कंठ है वो मेरे ध्यान में आने लगे नाम। तो इसमें 2 काम करना है, एक तो ऐसे लोगों को जोड़ना है और फिर ऐसी संगठनों को जोड़ना है। और संगठन संगठन 3 कैटेगरी के हैं। एक संगठन है जो जातिगत है, जैसे बनियों का समाज, जैसे जो है पंडितों का, राजपूतों का, दलितों का, राइट, जितने भी मतलब अलग अलग समाज हो सकते हैं, तो उन समाज जनक जो संगठन जुड़े हैं, चूंकि इसमें सभी का हित है, तो हमें सभी समाजों के संगठन को जोड़ना है, पहला काम, ठीक है ना? तो उसमें, और दूसरा जो है हमें फिर प्रोफेशन के लोगों को जोड़ना है। तो किसान को हम एक प्रोफेशन मानते हैं, तो किसान देखा जाए तो हर जाति और धर्म का व्यक्ति किसान है, हर जाति और धर्म का व्यक्ति व्यापारी है, हर जाति और धर्म का व्यक्ति श्रमजीवी है, हर जाति और धर्म का व्यक्ति इंडस्ट्रियलिस्ट है, राइट? तो यदि हम जो है इन बेहद 4 बेहद प्रोफेशंस में यदि हम जो संगठन कार्यरत हैं, यदि हम उनकी सूची बनाकर उनके अध्यक्षों के नाम को चिन्हित करेंगे तो हम उन्हें जोड़ पाएंगे। और फिर तीसरा जो संगठन है वो प्रोफेशन ओरिएंटेड है, जैसे शिक्षकों का संगठन, राइट, वकीलों का संगठन, राइट, आपका चार्टर अकाउंटेंट, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, राइट। तो जो प्रोफेशंस के जो वो संगठन जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं, क्या हम उनकी सूची बनाकर उनके अध्यक्षों तक को रीच आउट कर सकते हैं क्या? और अधिकांश अध्यक्ष जो है वो अपने काम के बोझ में दबे हुए हैं और वो अतिरिक्त जिम्मेवारी लेने की स्थिति में ना हो, तो वो एक अच्छे व्यक्ति को नामित कर दें और उसी के संगठन का नाम को हम लेते हुए केवल एक नया संगठन करेंगे कि उनका संगठन फॉर क्राइम फ्री भारत, बस इतना ही करना है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं, मेरे पास आपके ऐसी लिस्टें हैं, मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। ठीक है। तो मैं आपसे जो है अब प्रतिदिन जो है 15 मिनट की बात किया करूंगा। और आप देश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं विकास? नहीं नहीं, अच्छा भारत, बस और क्या, सही, और वो सबके विचार से, सबके प्रयास से ही संभव है। तो ये जो रणनीति मैंने बनाई है, इस रणनीति में ये बदलाव बहुत आसानी से हो जाएगा, बिना पैसे खर्च किए हो जाएगा, और लोगों को ताज भी मिल जाएगा। बिल्कुल। जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा। बिल्कुल। जो दूसरे तीसरे नंबर का होगा वो प्रधानमंत्री बनेगा, 35-40 में आ जाएगा तो केंद्रीय मंत्री बनेगा, 543 में आ जाएगा तो सांसद बनेगा, और यही स्थिति राज्य स्तर पर होगी, यही स्थिति फिर जिला स्तर पर होगी, यही स्थिति पंचायत स्तर पर भी होगी। तो हर स्तर के ताज जो है
उन लोगों के पास पहुंच जाएंगे जो 21 लक्ष्यों के साथ महापरिवर्तित भारत जमीन पे उतारने के लिए कृत संकल्पित हैं। और मैथिली शरण गुप्त को तो आपको मालूम ही है, हमने तो 12 तो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की हुई है, चंगवन यूनिवर्सिटी से हमारा टाई अप है जिसके तहत ढेर सारे सॉल्यूशन ऑलरेडी बनाए हुए हैं उनको जमीन पर उतारने की कवायद करते हुए देश बदलने। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, आपके प्रयास में हम सहभागी। चल तो उसे आपने अच्छा स्पीड अपली मतलब एक्सेलरेटेड आज के साधन के अनुरूप कम समय में काम हो जाए। चलिए चलिए, तो मैं अब आपसे रोज अब आपसे रोज बात किया करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल जी जी, चलिए जय हिंद, जय भारत, ओके, जय हिंद।